गाइज, आज की इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि इस बैटरी के अंदर का जो राज होता है, जो मैकेनिज्म होता है बैटरी के अंदर का, वो तो जिसके लिए हमने सेफ्टी पर्पज से ग्लव्स पहन लिए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर देखिए, हमने यहाँ पे पानी की बाल्टी भी रखी हुई है, क्योंकि मोबाइल जो है ये फुली चार्ज है, बैटरी तो शॉर्ट भी हो सकती है। देखिए, एक बार आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए सिम साइड सिम दिखा रहा है, क्योंकि इसमें सिम है नहीं, तो बैटरी है फुल चार्ज। तो बैटरी को निकाल लेते हैं बाहर और आज चेक करेंगे कि इस बैटरी के अंदर क्या होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर ये तीन प्लग होते हैं, प्लस माइनस, और ये तीसरा किस चीज़ को होता है आई डोंट नो। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी प्लायर की, तो मैं प्लायर की मदद से इसको हटा ले रहा हूँ। तो इसको हटाते ही नज़दीक से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे ये इसकी तीन ये प्लग होते थे, इसके नीचे जस्ट एक वायर की जैसा एक लगा हुआ है कुछ इस प्रकार से, देखिए, और यहाँ पे ये कनेक्टेड है। इसको रखते हैं साइड में, और अब इसके पीछे वाले हिस्से में बैटरी फुल चार्ज है, और बैटरी फट भी सकती है, तो हमें सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होगा। तो गाइस, काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी औजार लगाने के बाद बैटरी जो हमारी ओपन हो चुकी है। इसके अंदर ये बाहर का जो आवरण होता है इसका, ये लोहे का होता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, और इसके अंदर कुछ इस प्रकार से निकलता है। इसको भी एक बार देखते हैं थोड़ा, तो ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुछ इस प्रकार से दो परत होती हैं, एक प्लस की और एक माइनस की, और इन दोनों परतों को आपस में शॉर्ट होने से बचाने के लिए एक तीसरी परत भी होती है। ये देखिए, एक ये प्लस वाली और एक माइनस वाली, और इन दोनों को शॉर्ट होने से बचाने के लिए इसमें बीच में एक जो अलग से परत होती है वो ये वाली होती है, और ये दोनों आपस में अगर यदि भिड़ जाती हैं तो शॉर्ट भी हो सकती हैं। बट आई थिंक अभी ये डेड हो चुकी है फॉर द टाइम, तो अभी तो कुछ भी नहीं हो रहा। शॉर्ट होने डेड है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे कि मोबाइल की जो बैटरी होती है उसके अंदर कैसा क्या मैकेनिज्म होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल कर देना सब्सक्राइब।